प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से लिया गया है। इस पाठ में अहंकार से अच्छे उपदेश के तिरस्कार का दुष्परिणाम कथा के रूप में वर्णित है। अतः व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम भयंकर होते हैं। किसी नगर में उज्जवल नामक रथकार रहता था। वह अपनी गरीबी से परेशान होकर सोचता है कि मेरे घर की गरीबी को धिक्कार है, क्योंकि सभी लोग अपने कर्मों में ही लगे रहते हैं। मेरा काम ही इस नगर के योग्य नहीं है, क्योंकि सभी के चौमंजिला मकान हैं और मेरा कुछ नहीं है, तो मेरा रथ बनाने का क्या मतलब। यह सोचकर वह दूसरे देश को निकल जाता है। जब वह एक वन में पहुंचता है तो गुफा के आकार के घने जंगल के बीच सूर्यास्त के समय अपने झुंड से भटकी प्रसव पीड़ा से पीड़ित एक ऊंटनी को देखा। वह ऊंट के बच्चे से युक्त ऊंटनी को अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचकर ऊंटनी को रस्सी से बांध दिया और कुल्हाड़ी लेकर उसके लिए पत्ते लाने के लिए एक पर्वतीय प्रदेश में गया और वहां से नए कोमल पत्ते काटकर सिर पर रखकर लाया और ऊंटनी के आगे डाल दिए। ऊंटनी पत्तों को धीरे धीरे खाने लगी। कुछ ही दिनों में पत्तों को खाकर ऊंटनी स्थूल शरीर वाली बन गई और उसका बच्चा भी बड़ा ऊंट बन गया। तब से वह रोज ही ऊंटनी से दूध ग्रहण कर अपने परिवार का पालन करने लगा। उसने प्रेमवश ऊंट के बच्चे के गले में घंटी बांध दी। उसके बाद रथकार ने सोचा, अरे मैं अन्य कोई निंदित कार्य क्यों करूं, जब मेरे इस ऊंट को पालने से ही परिवार समृद्ध हो गया, अब मैं अन्य व्यापार क्यों करूं। ऐसा सोचकर घर आकर अपनी पत्नी से बोला, प्रिय यह व्यापार उचित है, यदि तुम्हारी भी सहमति हो तो किसी धनिक से कुछ धन उधार लेकर कुछ ऊंट लाने के लिए गुजरात प्रदेश जाता हूं। तब तक तुम इन दोनों की रक्षा करने का प्रयास करो, जब तक मैं दूसरी ऊंटनी लेकर आता हूं। रथकार गुजरात प्रदेश से ऊंटों को लेकर अपने घर आ जाता है और अधिक क्या, उसके ऐसा करने से उसके पास बहुत से ऊंट ऊंटनी इकट्ठे हो जाते हैं। तब उसने बड़े से झुंड को संभालने के लिए पहरेदार रख लिया। रथकार पहरेदार को प्रतिवर्ष वेतन में एक ऊंट दे देता। वह प्रतिवर्ष दिन रात उसे दूध देना निश्चय किया। इस प्रकार रथकार भी सदा ही ऊंट ऊंटनी के व्यापार को करते हुए सुख से रहने लगा। अब वे ऊंट के बच्चे आहार के लिए नगर के उपवन में जाते हैं। कोमल पत्तियों को खाकर बहुत सारा सरोवर का जल पीकर शाम के समय धीरे धीरे खेलते हुए घर आ जाते। लेकिन सबसे पहले वाला ऊंट का बच्चा घमंड से बाद में आकर मिलता है। इस पर बाकी ऊंटों ने कहा, अरे यह ऊंट तो मंद बुद्धि बच्चा है, जो झुंड से अलग रहकर पीछे खड़े होकर घंटे की आवाज करता हुआ आता है। यदि किसी भी दुष्ट के मुंह में पड़ गया तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। फिर उस वन में विचरण करते हुए कोई शेर घंटे की आवाज सुनकर आ जाता है। शेर देखता है कि अन्य ऊंटनी के बच्चे आगे जा रहे हैं और एक पीछे खेलता हुआ पत्तियां खाता हुआ वहीं खड़ा है। ऊंटनी का बच्चा झुंड से अलग धीरे धीरे आवाज करता हुआ आगे बढ़ता है। घंटे की आवाज के अनुसार शेर भी इसका पीछा करता है और चुपचाप उसके आगे बैठ जाता है। फिर जब ऊंटनी का बच्चा पास आता है तब शेर छलांग लगाकर उसे गर्दन से पकड़कर मार देता है। इसलिए कहते हैं, जो सज्जनों के कहे वचनों का अनुसरण घमंड के कारण नहीं करते हैं, वे इस घंटे वाले ऊंट की तरह नष्ट हो जाते हैं।